नैनीताल जिले में पार्किंग से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल पार्किंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर KMVN पार्किंग बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल नैनीताल में दो, भीमताल में एक और हल्द्वानी में दो पार्किंग हैं। और इसके अलावा कैचीधाम, सातताल और हल्द्वानी में 4 से 5 पार्किंग पाइपलाइन में है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों में जाम और गाड़ी खड़ी करने की समस्या को लेकर पार्किंग बनाने का काम भी चल रहा है। इसके तहत ही KMVN के जनरल मैनेजर विजय नाथ शुक्ल का कहना है कि बढ़ते पर्यटकों के दबाव को देखते हुए जिलों में वाहनों के दबाव और जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही यातायात के साथ ही पार्किंग की समस्या का भी निदान हो जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, पार्किंग की बात है, ऋषि मैडम के निर्देश पर लगातार हम नैनीताल, हल्द्वानी और भीमताल जितने हमारे पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सभी में पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे नैनीताल में दो पार्किंग बन के तैयार हैं जिनके टेंडर किए गए हैं। भीमताल में हमारे गर्म पानी में एक पार्किंग है, दो पार्किंग हमारी हल्द्वानी में है। इसके अलावा हमारी 3-4 पार्किंग अभी पाइपलाइन में है जिसपे हम काम कर रहे हैं ताकि वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जा सके और सड़क पे लगने वाले जाम से मुक्ति पा सकें।